सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व मन हो रहा है कि गीत गुनगुनाने का। बहुत ही सुंदर गीत है, भावों से भरा हुआ। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ, जितना कोई साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। शिव भगवान आए हैं, हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम देने के लिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मवृत्ति, आत्मदृष्टि द्वारा सर्व आत्माओं को देखना। तीसरे ज्ञान के नेत्र द्वारा हमें तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान हो गया है। तीन काल अर्थात सृष्टि का आदि मध्य अंत, तीनों लोक स्थूल वतन मूल वतन सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का ज्ञान हो गया है। हम मास्टर त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिलोकीनाथ बन गए हैं। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि ये वर्ल्ड ड्रामा कार्य कारण काज एंड इफेक्ट के सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत, एक्शन एंड रिएक्शन के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। यह इस काल चक्र का मंगलकारी विधान है। हमें अनेक बार लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, परंतु ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये ड्रामा फिक्स है, प्रीऑर्डेंड है। जिस एक्टर का जितना रोल इस ड्रामा में जिस जन्म में है उतना ही वो निभा पाएगा। प्रश्न है, रूहानी पिता रूहों को सुख शांति का वर्षा किस आधार पर देते हैं? इसका उत्तर है,
ईश्वरीय पढ़ाई के आधार पर जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी सोल कॉन्शियस रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही प्रभु पिता का वर्षा मिलता है सुख शांति का। लौकिक पिता बच्चों को स्थूल धन संपदा का वर्षा देते हैं, जबकि शिव पिता रूहों को ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा देके संपूर्ण हेल्दी संपूर्ण वेल्दी बना देते हैं। इसी पढ़ाई के आधार पर अगले जन्म में वो लक्ष्मी नारायण सदृश बन जाते हैं। इस समय शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सतयुग की स्थापना कर देते हैं, सच सुनाकर सचखंड की स्थापना कर देते हैं। भगवान आकर हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण का अर्थ है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्य निष्ठा। यदि सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा कोई हम याद करेंगे तो जीवन में सत्यता शिवत्व एवं भीतर बाहर की सुंदरता का प्रादुर्भाव होगा। ये संसार नश्वर है, इसमें फंसना नहीं है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वो कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित कर नहीं सकती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरह तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। आज बाबा ने मनरस शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात मन को परमपिता परमात्मा की याद में रस आने लगे। जैसे विषय रस है, वो विषय विकारों का रस है, ऐसे ही ये अतीन्द्रिय सुख का रस है, मन रस। तो बाबा कहते हैं अब अतीन्द्रिय सुख और मन रस की स्थिति में हमें जाना है। इसके लिए मनमना भाव की स्थिति चाहिए। मनमना भाव मद्भक्ता मद्याजि माम नमस्कुरु, अर्थात मन निरंतर शिव प्रभु की मधुर स्मृति में रहे, मन में बस शिवत्व रहे, शिव बाबा बुद्धि में रहे। हमें ऐसी सेवा करनी है, हमें ऐसी सेवा करनी है सर्वात्माओं के प्रति कि हमें सबसे दुआएं प्राप्त हो, सबकी ब्लेसिंग्स मिले, किसी की भी बददुआ ना मिले। जहां दुआएं हैं वहां खुशी है, अंडरलाइन, जहां दुआएं हैं ब्लेसिंग्स हैं वहां खुशी है। शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल चावल, विदुर की भाजी, क्या इनका कोई मोल हो सकता है? महत्व इस बात का नहीं कि हम क्या दे रहे हैं भगवान के घर में, महत्व इस बात का नहीं कि हम क्या दे रहे हैं, महत्व इस बात का है कि हम जो दे रहे हैं उसमें अपना हृदय उड़ेल रहे हैं या नहीं, ये उसी पे निर्भर करता है। भगवान हमारे भाव को देखता है, भावना को देखता है, वस्तु को नहीं देखता। तो इसलिए हमें परमात्मा के साथ दिल का सौदा करना है, यही खरा खरा सौदा है। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता, सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता, सुखिनो भवन्तु। ओ